आप वो देखें कि क्यों गिर रहे हैं। अगर वो एक दफ़ा का साइकिल है दैट इज़ कम्प्लीटली नॉर्मल, वो आपके बाल शेड होके यू देर कमिंग बैक टू द नॉर्मल स्टेज अगैन। कुछ लोगों को देखते हैं कि 100 to 150 स्ट्रैंड्स रोज गिरना इज़ कम्प्लीटली नॉर्मल, वो गिरना इज़ कम्प्लीटली नॉर्मल। अब वो आप कब देखेंगे? व्हेन यू टेकिंग अ शावर, आप जब नहा रहे हैं और आप देखेंगे बहुत ज़्यादा बाल नीचे गिरे हुए, दैट इज़ अलार्मिंग। जो आपके तकिए के ऊपर आप उठ रहे हैं और बहुत ज़्यादा बाल गिरे हुए, दैट इज़ अलार्मिंग। लेकिन अगर आप ब्रश कर रहे हैं और बाल गिर रहे हैं थोड़े बहुत, 100 to 150 इज़ नॉर्मल। तो वो भी एक साइकिल आता है, जिस आई एम श्योर आप लोग भी एग्री करेंगे, एक साल में एक साइकिल आता है जिसमें बाल शेड होते हैं। सावन का महीना आता है ना, बारिश में बाल गिरते हैं। अच्छा, गिरते हैं कि हफ्ते में कितनी दफा शैम्पू करना चाहिए? मैं अपनी कॉलर मुझे लगता है थ्राइस अ वीक ऑल्टरनेट डेज पे कर लें। लोग रोज शैम्पू करते हैं, नॉट गुड, दैट इज नॉट गुड। सुन लिया, ओवर एक्सफोलिएशन किसी भी चीज की इज नॉट गुड। ड्राई शैम्पू करते हैं, वो सही है नहीं, वो उससे भी ज्यादा खराब है। क्योंकि शैम्पू तो वही ऑल्टरनेट है। क्या करें, एक्सरसाइज करें, गंदे बाल बताते हैं मेरी बहन, बताते हैं अंबर, आपको बहुत सारी चीजें बताएंगे। लेकिन कॉलर हमारे साथ मौजूद है। कॉलर भी हमारे साथ, हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम जी। शहनाज इस्लामाबाद से। जी, मैंने पूछना था कि मेरा बेटा 13 साल का है और उसके बाल बहुत ज़्यादा सफेद हो रहे हैं। अच्छा ठीक है शहनाज, वो कहते हैं ना सलाम ना दुआ, मतलब अस्सलाम वालेकुम कैसी है, ये तो बता, हाल तो बताएं अपना मुझे। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। ये आई ना आवाज़ आपकी। अच्छा, आपके अपने बाल कैसे हैं ये बताएं जी? आपके अपने बाल कैसे हैं? मेरे बेटे के बाल गिरते हैं और शायद हो गए, 13 साल उसकी उम्र है। अच्छा, उन्होंने कहा सॉरी मैं कोई एक्स्ट्रा चीज के जवाब नहीं दूंगी। अच्छा चलो कोई बात नहीं मेरी जान। अच्छा, बेटा 13 साल का है, वो अपने बालों पे कुछ जेल शेल वगैरह तो नहीं लगाता जैसे आजकल के बच्चे बड़े फैशन करते हैं? कुछ भी नहीं लगाते। अच्छा, सब्जियाँ खाने के आदी है जैसे पालक वगैरह खा लेते हैं आप लोग हफ्ते में? लौकी, पालक। अल्हम्दुलिल्लाह सब्जियाँ बनती हैं, सब्जियाँ बच्चे खा लेते हैं। अच्छा, एलर्जी तो नहीं है कोई? मेरे बेटे को हर टाइफाइड बुखार हो गया था, उसकी वजह से भी कम है, और उसके जब से टाइफाइड बुखार हुआ था तब से उसके बाल सफेद होना शुरू हो गए, रब तो बहुत ज्यादा हो गए। अच्छा, मैं बता सकती हूँ होम्योपैथिक की दवा? हाँ बता दीजिए। देखिए, अगर ऐसा है ना तो 13 साल का है, कोई केमिकल यूज नहीं करता है, तिल का तेल लगाइएगा और आंवला का मुरब्बा सुबह अच्छी तरह उसको धो के, क्योंकि उसको आर्टिफिशियल स्वीटनर में बने हुए होते हैं तो नुकसान ना हो, वो अच्छी तरह धो के उसे दीजिएगा। होम्योपैथिक की दवा मैं बता रही हूँ। अगर किसी के बाल टाइफॉइड के बाद गिरते हैं तो फॉस्फोरस 30 पोटेंसी में 5 कतरे दिन में 3 बार पीजिएगा। और अल्फा अल्फा होम्योपैथिक की ऐसी दवा है जो लूसन से बनती है, वो ताकत का खजाना है। तो अगर बच्चों को भी अल्फा मदर टिंक्चर में 10-10 कतरे दीजिए तो इंशाल्लाह रिवर्स हो जाएंगे बाल। लेकिन बालों की असल दवा जो है ना वो जबरांडी है और विस्बिडन है, लेकिन क्योंकि टाइफाइड की वजह से वो चीजें कंफ्यूज हो रहे हैं। नहीं, जबरांडी मदर टिंक्चर में अगर आपके बाल नजला जुकाम खांसी से सफेद, नजला जुकाम खांसी एलर्जी की वजह से, तो फिर जबरांडी इसकी दवा बनती है। विस्बिडरिन ऐसी दवा है कि अगर मतलब लेट 20s में भी मैंने लोगों के बाल दोबारा काले होते हुए देखे हैं। अच्छा, लेकिन फिर वो आंवला रीठा सिका जी, बिल्कुल मैं अपने तजुर्बे से बात कर रही हूँ। अच्छा, मुझे मेरी अपनी बेटी के बाल बहुत सफ़ेद हो गए थे, तो उसने सारा ने भी विस्बिडरिन और मैंने उसको जबरांडी देके उसके अल्हम्दुलिल्लाह उसके बाल दोबारा जो है ना काले हो गए। सबसे मेन अब वो 24 की आपको रूट कॉज पता होना बेसिकली। हर किसी को सूट नहीं करती है, आपको डॉक्टर से कंसल्ट करना है, अपना मसला बताना है, आपकी पूरी हिस्ट्री उनके पास हो, देन फिर उसके बाद आप जो चीज़ इस्तेमाल करेंगे वो आपको फ़ायदा देगी। ये जो डॉक्टर्स के पास भी चले जाते हैं, एंड आई एम सॉरी टू इंटरप्ट, ट्रीटमेंट्स कराते हैं जो PRP हर कोई कर रहा है, मतलब हर कोई कर रहा है। और मुझे एट टाइम्स में देखती हूँ इसको तो ज़रूरत ही नहीं थी, क्यों 8 सेशंस करा लिए डॉक्टर साहब ने कहा था, 8 सेशंस के बाद रिजल्ट आएगा। जब आपको 2-3 के बाद भी नहीं आया तो आगे भी नहीं आना। और एलोपेशिया में तो PRP काम ही नहीं करती, आपके वही तो सोल्जर्स है ना जो आपको नुकसान पहुँचा रहे, फिर उसको निकाल के इधर डालने की क्या जरूरत है? होता ये और खराब हो जाए। हमारे लोग कितने मासूम, बहुत मासूम है, मैं ये कहती हूँ इतने वनरेबल होते हैं और डॉक्टर्स इतना नाजायज फायदा उठाते हैं ना एट टाइम्स। आई एम रियली सॉरी हमारी कम्युनिटी को, लेकिन जो ऑपोजिट साइड पे बैठा है ना वो आप पे बड़ा ट्रस्ट करके आ रहा है, और आप कहते हो जो ये करा लो वो करा भी लेता है, फिर आप बस आप तो अपने घर चले जाते जाते हो, किस मुश्किल से पैसे इकट्ठे करके आता होगा। आपको वो चीज सजेस्ट करता है जो उसके पास होती है। मैं कैंसर पेशेंट का बताऊं, उन्होंने पेशेंट की सर्जरी के बाद वो बंदा ठीक हो सकता था, लेकिन डॉक्टर ने कैंसर हॉस्पिटल उसको डायरेक्ट कीमो पे डाल दिया और उसके पास कोई चांस नहीं बचा। अब सीनियर डॉक्टर कह रहे हैं कि तो ऑपरेशन कर देते, उसने कहा हमारे पास था नहीं तो उसने कीमो पे डाल दिया। देखे ना, इनका एक मिनट की बात है। एग्जैक्टली आपने जिंदगी खेल गए हैं, सिर्फ पेशेंट्स पैसे इकट्ठे करके आते हैं आपके पास, बिल्कुल बड़ी मुश्किल है। अच्छा, मैं चाहूंगी आप भी आ जाए, उम्मीद अपने काउंट में आ जाए और उम्मीद भी बताएं कि उम्मीद आज बालों के लिए क्या बता रही है। देखिए, ये आपने बिल्कुल बहुत सही बात की कि बगैर बिला वजह आप किसी के साथ करते हो ना तो वो आपके साथ होता है, हम ये याद क्यों नहीं रखते। मुकाफात अमल आपको पे करना पड़ता है। और दूसरी बात है कि मेरे पास तो डॉक्टर्स भी आते हैं ना, उन्होंने कहा मैंने PRP कराया, मैंने कहा आपको एलोपेशिया तो आपने PRP क्यों कराया? अब एग्जैक्टली वो तो एलोपेशिया जो एक बीमारी है ना, वो तो इम्यून डिसऑर्डर है, ही सेल्स आपको अटैक कर रहे होते हैं, वही सेल्स निकाल के सेंट्रीफ्यूज में इंजेक्ट कर रहे हो, क्यों डाल रहे हो? गोना हेल्प यू। ओह माय गॉड, ओह माय गॉड। हां भाई, थोड़ी सी से आप रिसर्च करें और प्लीज बालों के मामले में ना कराएं। हां, बालों के मामले में एक सेकंड ओपिनियन जो है वो जरूर लें, वो जरूर लें। जी उमे, अच्छा मदिया, बालों के लिए हर चीज के मामले में आपको सेकंड ओपिनियन जरूर लेना चाहिए, लाजमी लेना चाहिए। कि आपने कहा कि बस अब डॉक्टर ने कह दिया या किसी ने भी कहा, ऐसा कुछ भी नहीं। दूसरी चीज बताने से पहले कहूँगी कि हर चीज हर किसी के लिए नहीं होती। पेशेंट आते कहते क्या करें, एक शुरू करते फिर दूसरा अच्छा लगता है, फिर तीसरा अच्छा लगता है, फिर चौथा तोड़ के रेमेडीज, तो हम यूं घूमते रहते हैं। तो ऐसा नहीं है, आपने जो भी चीज़ इस्तेमाल करनी इतनी डिटेल के साथ जैसे बिल्किस ने बताया है, आप स्टार्ट कीजिए, कम से कम 1 महीना तो दीजिए, मिनिमम 6 वीक्स आपको लाजमी 1 महीने से 1.5 महीना देना है। अगर अल्लाह ना करे कोई एलर्जीज स्टार्ट हो गई हैं, कोई रिएक्शन हो गया तो आप फ़ौरन छोड़ सकते हैं, वरना आपने 1 महीना लाजमी देना, आपको रिजल्ट आना शुरू होगा। लेकिन ये जो स्विच करते ना एक के बाद, जैसे चैनल बदल टिकते नहीं है तो कभी आपको फ़ायदा नहीं होगा, बाद टिकने कोई नहीं आपके। अच्छा, बालों की बात हो रही है, बहुत सारी चीज़ें बहुत डिटेल में बता दी। हम जो भी शैम्पू इस्तेमाल करते हैं, अब हेयर फॉल की बात मैं करें, कोई सा भी शैम्पू आप जो भी इस्तेमाल करें, आपने अपना शैम्पू लिया, पहले उसको डाइल्यूट किया, ठीक है, शैम्पू बहुत गाढ़े होते हैं, जैसे आपने आधा शैम्पू और आधा पानी ले लिया, ठीक है। अच्छा, ये कोई भी शैम्पू हो सकता है, वैसे आपको हर किसी को अलग अलग शैम्पू सूट करते हैं। अब इस शैम्पू के अंदर आपने क्या करना है, पहले तो आपने हाफ बॉटल शैम्पू लेके उसके अंदर हाफ बॉटल पानी डाला है, उसमें 1 टुकड़ा आपने अदरक का डाल दिया, इस शैम्पू की बोतल के अंदर डाल देंगे आप। अच्छा, और इसके अंदर तकरीबन हाफ बोतल के अंदर 7 से 8 लौंगे डालेंगे। जैसे बिल्किस हमेशा समझाती हैं, देख लो इसके ऊपर इसकी मिर्च लगी हुई होनी चाहिए, ठीक है, ये लाजमी होनी चाहिए। और 1 अदद जो है तेज़पत्ता आपने इसके अंदर डाल दिया। अच्छा, इसके बाद ये आपने शैम्पू की बोतल के अंदर ही छोड़ देना है और इसमें 1 चमचा डालेंगे सफ़ेद सिरका। ये तमाम चीज़ें डाल के जो है, ये आपका शैम्पू है और ये तमाम 4 चीज़ें जो आपने डाली हैं शैम्पू के अंदर रहेंगी और इससे आपने शैम्पू करना है। ये आपका भी हो गई, शैम्पू ज़्यादा डाइल्यूट होगा ना, डाइल्यूट हो गया ना उसके लिए। अच्छा, दूसरी बात है कि आपका हेयर फॉल कंट्रोल करेगा। देखें, जो आपकी बीमारी है, कोई रीजंस है, वो सारी चीजें आपने देखनी है। बंदों का भी हेयर फॉल कंट्रोल करेगा, जैसे हम अपने भाइयों के देखते हैं, उनके बाल जब गिर रहे होते हैं। देखिए, हम एक जनरल एक बात करें तो बहुत सारे घरों में 1 ही बोतल शैम्पू की आती है, वो घर का मर्द औरत बच्चे सब इस्तेमाल करते हैं, सबके लिए अलग अलग शैम्पू नहीं है ना, कोई अफोर्ड कर सकता है। तो उसमें आपका जो भी जनरल शैम्पू जो भी आप ले रहे हैं, आपके बजट में आ रहा है, आपको पसंद है, आपने उस शैम्पू के अंदर ये 4 चीज़ें डाल देनी है। इसमें आप बच्चा बड़ा सब इस्तेमाल कर सकते हैं, इसमें कोई पाबंदी नहीं है कि ये किसी को नुकसान पहुँचाएगा या कुछ ऐसा होगा। तो ये आपने इस तरह से बनाना है, आपका हेयर फॉल कंट्रोल करने के लिए आपका शैम्पू घर में तैयार हो। बेहतरीन बचत स्कीम, तो ये आप 2 शैम्पू। अच्छा, दूसरी चीज़, अब डिफरेंट चीज़ें होती हैं, ऑयल भी लगा रहे होते हैं कि वो एक बड़ी बहस है कि कब लगाना है कब छोड़ना है, ये सब आपको पता है। हमसे ज़्यादा वो ख़वातीन जो घर में बैठी हैं, वो इतना गौर और फिक्र करती हैं चीज़ों के ऊपर, सब पता है। एक कॉलर ने बड़ी प्यारी बात की थी कि पहले हमारे यहाँ बालों को वॉश करके तेल लगा के चोटियाँ बांधते थे, हमने कॉलेज लाइफ तक चोटियाँ ही बांधी हैं, हर वक्त कसी भी 2 चोटियाँ बंधी हुई होती थी। आज तो हमारे बच्चे बालों को बांधते ही नहीं है, लेकिन वो बालों को डैमेज नहीं होने लगती ना, कितनी अच्छी नहीं लगती जी। लेकिन वो जो 2 चोटियाँ या कसी भी जो चोटी होती थी, वो आपके बालों आज भी बनाती नहीं, बिल्कुल सही है, इसलिए कि ये आपके बालों को उलझने नहीं देता है, आपके बाल टूटता नहीं है, आपका बाल रफ नहीं होता है, आपका बाल सेफ रहता है। लेकिन एक चीज, अगर आप बहुत ज्यादा टाइट भी बांध रहे हैं तो वो भी हेयर लाइन करता है। अच्छा देखो, एक तो रोज नहीं बांधनी, आप घर में बांधो, लेकिन नीचे से आप टाइट ऐसे नहीं, जैसे वो अम्मी बच्चों का आज भी बच्चे आते तो वो लगता है आंख आईब्रो यहाँ तक आ गई। एक्चुअली मेरी मेरा क्योंकि माथा बड़ा छोटा रहा है तो अम्मी मेरी तो बचपन में मशहूर थी कि बिल्कुल टाइट बांध करके अम्मी रखती थी कि इसका माथा निकल आए किसी तरीके से ना, और एक्चुअली निकल ही आया, हेयर लाइन recede हो गई पीछे कर करके। तो आई थिंक वो भी एक रीजन हो जाता है कि बहुत ज़्यादा टाइट बांधो तो बहुत ज़्यादा टाइट नहीं बांधने। और दूसरी जैसे भी अंबर ने कहा कि बालों के वेट कैसे कि यहाँ से बाल आपका गिरता है, तो बाल अपने घर में जो आप बाहर जा रहे हैं आपका स्टाइल है बनाते रहे, लेकिन घर में आपने मांग पार्टिंग चेंज करनी चाहिए। एक ही स्टाइल में जिंदगी भर बाल बनाएंगे वहाँ से बाल गायब। आजकल हमारी लड़कियों का मसला ये है कि हमारी लड़कियों की यहाँ से इस वाली साइड से ट्रिमिंग बहुत जरूरी है, क्योंकि मैंने कुछ लड़कियां देखी है लंबे बालों के नीचे से दुम हो जाएगी लेकिन बाल लंबे नहीं, ट्रिमिंग जरूरी। इससे बाल हेल्दी होते हैं। आप हर 3 महीने बाद खुद ले लेगा, नहीं जाना पार्लर, ट्रिमिंग करें खुद से करके थोड़ा सा, और बीच में लेयरिंग दे थोड़ी सी नीचे। वो आप ही कर सकती, बीच में खुद से ले लें, हम नहीं लोग नहीं कर सकते। नहीं होने, जिनके बहुत घने बाल है ना उससे भी इनका ये चीज हेयर फॉल होती है, गंजपन आता है। जिनको ना बाल बढ़ाना हो ना तो चांद की दूसरी तारीख को बाल कटवाना। आपके लिए 14 से पहले, चांद की 14 तारीख जो होती है, मतलब जो चढ़ता हुआ चांद है उससे पहले, मतलब उन दिनों में आपको बाल की ट्रिमिंग करनी चाहिए। कहते हैं ना कि हाँ, चांद की पहली तारीख को मिट्टी के बर्तन में पानी हल्का सा गीला करके। अच्छा, जो बाल ट्रिम करते हैं ना, जिनके बाल बहुत गिरे होते हैं, एक टोटका बताती हूँ। कॉल मेरे साथ एक मजा जी, कॉल कौन है जी? बहुत शहाना है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम, मैं शहाना बात कर रही हूँ। शहाना कैसी है? ठीक है जी। आप बहुत खूबसूरत लग रही हैं। बहुत शुक्रिया आपका, आपका बहुत प्यार है इसलिए। क्या पूछना चाहेंगे? बहुत फेवरेट है। क्या आप फेवरेट है? आई थैंक यू जी। क्या पूछना चाहेंगे जी? मेरे बालों का मसला ये है कि मैं हेयर स्ट्रेटनर जो है बहुत इस्तेमाल करती हूँ, उससे मेरे बाल जो है वो डैमेज हो गए हैं और रूखे हो गए हैं, बिल्कुल ना जान नहीं है इनमें। तो प्लीज आप मेरा ये मसला जरा हल करा दें। बालों में स्ट्रेटनर इस्तेमाल करती है, कैरेटिन करा लें। हाँ, अब हर कोई वो यानी बात है, कैरेटिन रेमेडी ऐसी हो ना जिससे होम रेमेडी जी जी घर में सही कर सकूं। ठीक है, ठीक है, आपको अभी हमें बता रही है। बहुत शुक्रिया शाना आपकी कॉल का। अच्छा, इस तरह के जो बाल बर्न हो जाते हैं या जैसे बहुत ज़्यादा ब्लो ड्राई या आयरन से डैमेज हो जाते हैं, एलोवेरा जेल लेना है, फ्रेश लेना है, लेकिन उसके अंदर जैसे आपने तकरीबन आधा कप एलोवेरा जेल लिया है, उसके अंदर आपने 2 टेबलस्पून आर्गन ऑयल या जजुबा ऑयल ऐड कर दिया है और 1 टीस्पून आपने विटामिन ई ऑयल ऐड किया है। ये तीनों चीज़ों को मिक्स करके ब्लेंड करके आप बना के रख लीजिए और इसको आपने बालों पर लगाना है, खासकर जो डैमेज हेयर है उस पर लगाना है और अच्छी तरह से लगा के एंड्स के ऊपर उसको थोड़ी देर छोड़ देना है। मिनिमम भी 2 घंटे छोड़ दें या रात भर लगा लें और उसको वॉश कर लें। हफ्ते में 2 बार इसको करना शुरू करें तो ये जो डैमेज हेयर है वो आपको खुद फील होगा कि बाल आपका स्मूथ, बिल्कुल वही जो प्रोटीन एंड केराटिन ट्रीटमेंट्स के जो रिजल्ट हैं वो आपको घर में बैठे मिल जाएगा। आपके बाल की ग्रोथ भी होगी और जो रफनेस है, जो डैमेज हेयर है वो भी रिपेयर हो जाएगा। और मैं इनको खास बताएं कि आयरन इनके मेन जो कॉज है आयरन। आयरन में बहुत बहुत किस्में होती हैं। एक आयरन आती है जिसके टेम्परेचर कंट्रोल हो जाता है, उसके बाद वो हाई नहीं जाएगा तो वो आपके बालों, आप खुद सोचें आपके, मैं कहती हूँ यहाँ शाबाशी इन बालों को जो आयरन बर्दाश्त करते हैं। आपके हाथ जल जाते हैं, हम जब कैरेटिन करते हैं एक सर्टन, तो अवॉइड करें। मैं हमेशा कहती हूँ थोड़ा सा ब्लो ड्राई सीखें और अगर आप आयरन कर रहे हैं तो कम टेम्परेचर पर रखें और इसको नहीं, क्योंकि आप बर्न कर रहे हैं बाल, आपके टूटते हैं। और जब भी आयरन करें पतला बाल ना लें, पतले बाल लेंगे ना तो वो और टूटेंगे आपके बाल। थोड़ा सा मोटा बाल लें ताकि उसकी हीट बर्दाश्त करें। बाल के आप निकलो तो वो अंदर नहीं जाता, इतनी वो स्ट्रॉन्ग चीज है। ठीक है, और वो मुंह में भी हो तो वो तब भी यू कांट डू एनीथिंग अबाउट इट। आप सोचें स्ट्रेटनर्स अगर इसको स्ट्रेट कर रहे हैं और कुछ इस तरह करें तो कितनी डैमेजिंग चीज होगी, यू नो। जब ब्लीचर्स जब टेढ़ा मेढ़ा कर रहे हैं तो किस तरह करें। कभी ब्लो ड्राई कैरेटिन, मैं कभी अपने बालों को हीट यूं नहीं देती, नहीं दे सकते, मैं दूर रखती हूँ और बस यूं ड्राई करती हूँ। बिल्कुल डायरेक्ट हीट जो है वो डैमेज कर रही है बालों को। ये सबसे वन ऑफ द लास्ट चीजें जो डीकम्पोज होती है। तो आप ये सोचें कि आप कितना हम डैमेज कर देते हैं अपनी लाइफ में उसको कि वो तबाह बर्बाद हो जाती है, जबकि ना वो निगलने में आ सकता है, यू कांट सॉलो अ हेयर, और वो डिकम्पोजिशन भी लास्ट में होती है, लेकिन हम पहले ही जिंदगी में उसको डिकम्पोज कर देते हैं। बिल्कुल सही, हम वाकई पता नहीं क्या अपने बालों के साथ कर रहे होते हैं, सत्यानाश कर देते हैं। अब नेक्स्ट चीज़ क्या बना रहे हैं? हम बना रहे हैं हेयर टॉनिक, बना रहे हैं एक ऐसा टॉनिक जो कि हर तरह के बालों को उसकी केयर भी करेगा, आपको गिरने से भी उनके बालों को मतलब गिरने से रोकेगा और उसको रीग्रोथ करेगा। ठीक है, ये मेरे स्पेसिफिकली भाइयों के लिए ना, जिनके बाल भाइयों के लिए, बहनों के लिए, बच्चों के लिए, सबके लिए। अच्छा, दूसरी बात है इसको आप डेली इस्तेमाल कर सकते हैं। तीसरी बात है कि उसको वॉश करने की ज़रूरत नहीं है कि जैसे कि रोज़ाना वॉश, जैसे अभी अंबर ने कहा कि जिम जा रहे हैं, पसीना आ रहा है, तो आपने प्लेन वाटर से अपने सर को वॉश कर लेना, जो पसीना किसी को आ रहा है तो आप सादे पानी से वॉश कर लें। अच्छा, अब हम जो टॉनिक बना रहे हैं इसमें सबसे पहले हमने चावल का पानी लिया है। चावल का पानी पका हुआ नहीं है, आपने चावल गर्म पानी में भिगो दिए हैं, चावल धोए और गर्म पानी में भिगो दिए, और जब वो बिल्कुल पानी रात भर भीगे रहे, और उसके बाद ये पानी जो है आपने अलग कर लिया। ठीक है, इस चावल के पानी में सबसे पहले तकरीबन ये 2 गिलास पानी है, इसमें आप मुट्ठी भर जो है मतलब आप हैंडफुल जो है गुलाब की ताज़ा पत्तियां डालेंगे। अच्छा, देसी गुलाब हो तो बहुत अच्छी बात है, देसी गुलाब आपने डालना है। उसके बाद आप इसमें डालेंगे तुलसी के पत्ते, ये भी तकरीबन आप 20-25 पत्ते या जैसे मुट्ठी भर आप डाल दें, इसमें ऐसी कोई पाबंदी नहीं कि ज़्यादा हो गए कम हो गए, कोई नुकसान की बात नहीं। तीसरी चीज़ में कड़ी पत्ता डाल रहे हैं, कड़ी पत्ता ताज़ा हो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन फिर ड्राई है तो मैं ड्राई डाल रही हूँ, वो भी 12-15 पत्ते डालेंगे। चौथी चीज़ इसमें रोज़मेरी डाल रही हूँ चमचा भर के। ठीक है, 1 टेबल स्पून। बालछड़ अभी इसकी बड़ी डिटेल में हमने बात की है, ये भी इसमें तकरीबन डल जाएगा 1 चमचे के बराबर। मेथी दाना डलेगा, बिली लोटन यस, मेथी दाना भी डालेगा 1 टेबल स्पून। और इसमें हिबिस्कस, क्या कहते हैं उसको उर्दू में, गुलहड़ जो है, चाइना रोज, ये डालेंगे। अच्छा, इसका रंग बहुत ख़राब है वरना इतना बुरा रंग नहीं होता, बड़ा प्यारा पिंक कलर होता है इसका। ये तमाम चीज़ें डाल के आपने इस पानी के अंदर जो है इसको छोड़ देना है, और आखिर में इसमें डालेंगे रोज़मेरी ऑयल। ठीक है, ये तकरीबन 1 टीस्पून के करीब ये डालते हैं। रोज़मेरी ऑयल जो है ना वो आजकल बड़ी चीज़ है, बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। आप कुछ भी नहीं करें, आप जो भी तेल लगा रहे हैं उसमें रोज़मेरी ऑयल ऐड कर लें, जो शैम्पू कर रहे हैं उसमें रोज़मेरी ऑयल ऐड कर लें, जो टॉनिक आपका उसमें रोज़मेरी ऑयल ऐड कर लें, रूटीन में लगा लें, डायरेक्ट भी लगा सकते हैं, तो आपको खुद फ़ायदा नज़र आएगा।